मेरे भाई नमस्कार। क्या हाल चाल? मजे में? सभी ने पढ़ाई शुरू कर दी? अगर नहीं की है तो कर लीजिए। मेरा नाम महेश शर्मा और इस आज के लेक्चर में करेंगे अपन 11 फिजिक्स में बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर सेकंड। देखिए, बेसिक मैथ्स है ये 11 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो बेसिक मैथ्स में अपन एक लेक्चर कर चुके हैं, आई होप आपने सबने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए और फिर आगे बढ़िए। टाइम खराब बिल्कुल भी मत कीजिए, रोज टाइम का यूटिलाइज कीजिए। आपको रोज वीडियोज मिल रहे हैं तो आप लेक्चर देखिए और साथ साथ में पेन और कॉपी लेके बैठिए, साथ 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 में आप नोट्स भी बनाइए। तो बेसिक मैथ्स में अपन पढ़ रहे ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री एंड त्रिकोणमिति का आज अपना लेक्चर नंबर सेकेंड है। अपन पहले लेक्चर फर्स्ट कर चुके हैं। तो देखिए, इसमें अपन आज करेंगे सम इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सूत्र। ये आपका 10th क्लास में पढ़ा हुआ भी नहीं, बिल्कुल आपको पहली बार ये फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, तो आपको इनको याद कर लेना है। चलिए तो बात करते हैं। पहला फॉर्मूला अपन बात करें साइन ए प्लस बी। किसका? साइन ए प्लस बी। तो देखिए, साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी में आते हैं नंबर 2 पे, ये फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस माइनस कोस ए साइन बी, माइनस कोस ए साइन बी। देखो, प्लस है तो प्लस आता है, माइनस है तो माइनस आता है साइन के अंदर। पहले साइन ए कोस बी, फिर कोस ए। देखो, ए पहले ए साइन के साथ था, अब ए कोस के साथ है। पहले बी कोस के साथ था, अब बी साइन के साथ है। ऐसा ही नीचे नीचे क्या कुछ नहीं किया, माइनस लगा दिया। आगे आते हैं कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला। अब एक बात और, ये फॉर्मूले कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसकी ओर अपने को नहीं जाना। वो मैथ्स का पार्ट है, अपने को तो फॉर्मूले से मतलब कि फॉर्मूला होता क्या है अपने को रिसर्च नहीं करना चाहते। वो मैथ प्रूफ भी कर सकते, ऐसी बात नहीं है, मैथमेटिक्स में सब प्रूफ भी दे रखा है, अपन वो यहाँ पे नहीं करेंगे। अपने को केवल फॉर्मूले से मतलब है कि इसका ये फॉर्मूला होता है, इसी से अपना काम चल रहा है। देखिए, बेसिक मैथ्स का कोई डायरेक्ट सीधा सवाल तो नहीं आएगा, लेकिन अच्छे सवाल अच्छे डायरेक्शन में अपने मैथ्स काम आती है, क्योंकि फिजिक्स की लैंग्वेज मैथमेटिक्स है। तो आप फॉर्मूले, ये फॉर्मूला आपको याद ही कर लेने, कई बार आपको काम आएंगे, आपकी हेल्प करेंगे समझने में सब्जेक्ट को। अब आगे आते हैं कोस ए प्लस बी में। तो कोस ए प्लस बी में थोड़ा सा उल्टा काम है, पहले दोनों कोस लिखो, कोस ए कोस बी। अब यहां पे प्लस है तो यहां लगाओ माइनस साइन ए साइन बी। कोस में उल्टा, देखिए पहले दोनों कोस फिर दोनों साइन, और बीच में यहाँ प्लस है तो माइनस, और माइनस उतर जाएगा प्लस आ जाएगा। आगे आता है कोस ए माइनस बी। तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी फिर प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ क्या आएगा प्लस, उल्टा यहाँ पे साइन ए साइन बी। ये हो गया कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला। आगे आते हैं टेन ए प्लस बी में। तो टेन ए प्लस बी होता है आपका टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये हो गया आपका टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। देखो, प्लस है तो ऊपर टेन ए प्लस टेन बी, बटे में 1 माइनस टेन ए टेन बी। नेक्स्ट फॉर्मूला है टेन ए माइनस बी का। साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठिए, लिखिए भी साथ साथ, लिख लीजिए। टेन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ देखो क्या था, प्लस तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ चिन्ह चेंज कर दो, ऊपर आएगा माइनस टेन ए माइनस टेन बी अपॉन नीचे क्या बनेगा 1 प्लस टेन ए टेन बी। ये आपका बन गया टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला। क्लियर? अब आगे कुछ बात करते हैं अपन इन्हीं फॉर्मूलों की। तो पहले रिवाइज को थोड़ा सा दिमाग में बैठाइए, एक बार दोबारा रिवाइज कराता हूँ आपको। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कोस ए प्लस बी होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए माइनस बी होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी आता है आपका टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ये फॉर्मूले लिखिएगा आप, तो इनको एक बार पॉज करके आप लिखिए। अब इन्हीं फॉर्मूले से हम कुछ नए फॉर्मूले और बना देंगे अभी। देखिए, ये तो आपको याद होने चाहिए, आगे वाले भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़े बहुत याद कर लेने चाहिए वो, लेकिन ये तो आपको याद करने ही ढह ढंग से। अब देखिए, मान लो ये समीकरण नंबर 1, थोड़ी देर के ऐसे बोल रहा हूँ मैं, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर, ऐसे
ऐसे मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए। अब क्या करो आप, इन दोनों को जोड़ो, समीकरण एक और दो को जोड़ दो, तो जोड़ने में क्या आएगा, ये आएगा साइन ए, दोनों को जोड़ रहा हूं मैं, किसको, एक और दो को, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्या किया मैंने, इसको इसको जोड़ा, देखो जोड़ने में क्या होगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी में आपको ये जोड़ना है, ये नीचे होता है, देखिए प्लस कोस ए साइन बी नीचे माइनस कोस साइन बी कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ साइन ए कोस बी प्लस साइन ए कोस बी, कितना हो जाएगा, दो साइन ए, टू साइन ए कोस बी आपको मिल जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा मार्कर दूसरा ले लूं, बोलो बात क्लियर। अब क्या कर रहे हैं अपन, एक बार इसमें से बैठाते हैं, यानी अब अपन कर रहे हैं साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। क्या किया मैंने, इस बार एक में से दो बैठा दें, इसमें से इसको बैठाएंगे तो क्या देखिए क्या आएगा, इसमें से इसको बैठाओगे तो यहां आएगा माइनस और यहां बन जाएगा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये तो इस बार कट जाएगा। अब क्या आएगा, कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी कितना बन जाएगा, टू कोस ए साइन बी, टू कोस ए इंटू में साइन बी, बात क्लियर। अब आते हैं अपन तीन और चार पे, अब क्या करेंगे, एक बार इन दोनों दोनों कोस वालों को जोड़ते हैं, यानी समीकरण तीन और चार को जोड़ने पे, दो जोड़ने पे क्या आएगा, ये आएगा कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, दोनों को जोड़ दिया, इसको किसको, इसको इन दोनों को, इन दोनों दिख रहे, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस, जोड़ने दो क्या होगा, इसमें इसको जोड़ना है तो ये तो कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी जुड़ जाएगा प्लस टू कोस ए कोस बी, लेकिन ये माइनस साइन ए साइन बी माइनस का प्लस साइन ए साइन बी कर देगा भाई, माइनस साइन ए साइन बी माइनस का साइन ए साइन बी और प्लस का साइन ए साइन बी कर जाएगा, तो ये आएगा आपका टू कोस ए, टू कोस ए साइन बी, सही लिखा, नहीं गलती दिया, गलत दिया, साइन कौन सा कट गया इस बार, अपन ये तो कट गया, क्या आएगा, टू कोस ए कोस बी, टू टू कोस ए कोस बी, पहले पढ़ा नहीं पढ़ा भाई, देखो ये तो कट गया ना, माइनस साइन साइन बी प्लस साइन साइन बी कट गया, क्या बच रहा है, कोस ए कोस बी प्लस का, कोस ए कोस बी प्लस का कितना, दो बार आ रहा, तो दो टू कोस ए कोस बी, क्लियर। अब देखिए समीकरण तीन में से चारों बैठाने, कोस में उल्टा है ना, तो माइनस साइन उल्टा करो, अब आप करो समीकरण चार में से समीकरण तीनों उठाओ, यानी इसमें से इसको उठाओ, क्या आएगा, ये आएगा कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, माइनस में उल्टा इसलिए किया है क्योंकि तो माइनस में यहाँ कोस में काम ही उल्टा है, कोस में काम ही उल्टा है इसलिए माइनस किया है, तो कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, तो इसमें से जब आप इसको बैठाओगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस, तो इस बार ये दोनों कट जाएंगे, ये बचेगा साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी कितना हो जाएगा, टू साइन ए साइन बी, ये भी फॉर्मूले, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको इनको याद रखना चाहिए, इसी बात के लिए चलिए आप यहां तक नोट कीजिए, टेन ए इनका टेन ए प्लस बी प्लस टेन ए माइनस, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको मैंने छोड़ दिया है, चलिए इसी बात के लिए। अब इन्हीं फॉर्मूले से कुछ नए फॉर्मूले, आप देखो इनसे अपन ये बनाए, इनसे कुछ नए बनाते हैं, देख कैसे, अब ऐसे नए ऐसे बनाते हैं, अपन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि माना कि ए प्लस बी को, भाई ए और बी को जोड़ने में कुछ तो आएगा, ए और बी को जोड़ने पे कुछ तो आएगा, तो उस कुछ को अपन सी मान लेते हैं, और ए माइनस बी को बैठाने पर कुछ तो आएगा, उस कुछ को अपन डी मान लेते हैं, उस कुछ को अपन डी मान लेते हैं। अब देखिए मान लो इस समीकरण नंबर थोड़ी देर के लिए मान लो एक, थोड़ी देर के लिए मान लो समीकरण नंबर दो, समीकरण एक और दो को जब हल करोगे एक बार इन दोनों को जोड़ दे, एक और दो को जोड़ने पे, तो देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, बी कट जाएगा, क्या टू ए बराबर सी प्लस डी, तो ए का मान मिलेगा सी प्लस डी बाई टू, कैसे, समीकरण एक और दो को, समीकरण पढ़े ना 10 क्लास में, हल करना आता ना समीकरणों को भाई, एक बार इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो प्लस का बी माइनस का बी कट जाएगा, ए प्लस ए टू आएगा इधर बराबर, इधर आएगा दाएं पक्ष में सी प्लस डी, तो ए का मान आएगा सी प्लस डी, और बी का मान यहां से आएगा सी माइनस डी, कैसे, समीकरण एक में से दो को उठाओगे तो ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, तो ये आएगा टू बी बराबर सी माइनस डी, तो यहां से बी बराबर सी माइनस डी आपको सी माइनस डी बाई टू मिल जाएगा। तो इन्हें फॉर्मूले में देखो, इनमें पहले पढ़ रही है बात, पढ़ रही है पक्का, मैंने मान लिया ए प्लस बी को मान लिया सी,
ए माइनस बी को मान लिया डी, ये मान लो थोड़ी देर के लिए समय का नंबर एक, समय का नंबर इसको मान लो थोड़ी देर के लिए एक, इसको मान लो थोड़ी देर के समय का नंबर दो, एक और दो को हल करके ए और बी का मान सी और डी के पदों में ज्ञात कीजिए। क्लियर? तो ए का मान मिलेगा सी प्लस डी बाई टू और बी का मान मिलेगा सी माइनस डी बाई टू। समीकरण 10th क्लास में हल किया ना, दो चरों वाले रैखिक समीकरण वही है। अब करना कुछ नहीं, इन मान रख दो, इसमें ए प्लस बी की जगह रख दो, ए प्लस बी की जगह रख दो सी, ए माइनस बी की जगह दो डी, और ए की जगह रख दो सी प्लस डी बाई टू और बी की जगह रख दो सी माइनस डी बाई टू। इन फॉर्मूले के अंदर आपको नए फॉर्मूले मिल जाएंगे। देखिए अब मैं आगे लिखता हूँ यहाँ पे, तो साइन ए प्लस बी यानी साइन साइन सी प्लस साइन डी, पहले पढ़ी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी की जगह मान लिया अपन ने सी, ए माइनस बी को अपने मान लिया डी, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बनेगा, यहाँ रखो टू साइन है तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू, ये साइन का कोण है ना, और यहाँ पे कोस बी, बी की जगह आएगा सी माइनस डी बाई टू, तो ये आएगा कोस सी माइनस डी बाई टू। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? टू साइन, एक बार मैं थोड़ा चेक करूँ, टू साइन, चलो दिख रहा है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू। क्लियर? अब देखिए यहाँ इसमें रखते हैं, इस दूसरे में, इसमें 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 साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, यानी इसमें रखा तो क्या आएगा, देखिए टू कोस ए साइन बी, तो टू कोस ए, और ए की जगह क्या रखना है, ए की जगह रखना है सी प्लस डी बाई टू, क्या रखोगे, सी प्लस डी बाई टू इंटू में क्या आ गया यार, साइन बी, साइन बी, बी की जगह रखना है सी माइनस डी बाई टू, तो यहाँ आएगा साइन सी माइनस डी बाई टू। ये भी फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। चलिए तो साइन की बात होगी, अब आते हैं कोस में। देखो यहाँ पे कोस ए, इसमें इसमें हम ए प्लस बी की जगह सी, ए माइनस बी की जगह डी, ए की जगह सी प्लस डी बाई टू, बी की जगह क्या करोगे सी माइनस डी बाई टू रख दो, आपको नए फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो यहाँ आते हैं अपन कोस सी प्लस कोस डी, इसमें रखा कोस सी प्लस कोस डी, क्या आएगा टू कोस ए, टू कोस ए, एक टू कोस सी प्लस डी बाई टू, इंटू में आ जाएगा कोस सी माइनस डी बाई टू, ये कोस का कोण में से। चलिए आगे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ आएगा देखिए कोस डी आएगा पहले, क्योंकि ए माइनस बी पहले, तो यहाँ आएगा कोस डी माइनस कोस सी, यहाँ उल्टा काम है, कोस में तो काम ही उल्टा ना माइनस में, तो यहाँ कोस डी माइनस कोस सी बनेगा, तो ये बन जाएगा देखिए क्या बनेगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, और यहाँ साइन बी के लिए क्या है, साइन सी माइनस डी बाई टू। क्लियर? अब यहाँ देखो अगर आप इनके से बनाना चाहते हो तो यहाँ माइनस कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा कितना, कोस सी माइनस कोस डी, अब यहाँ से आपने माइनस कॉमन ले लिया, उस माइनस को इधर भेज दो, तो ये बन जाएगा माइनस का टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू में साइन सी माइनस डी बाई टू। आप चाहते हो माइनस में आ भी नहीं रहे, इसको और अंदर रखना, तो यहाँ चिंतन कर दो, तो कोस सी माइनस कोस डी ये बन जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू में साइन डी माइनस सी बाई टू। अब देखिए ये तीनों, ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला, तीनों एक ही बात है, केवल माइनस का हेर फेर है। तो बुक में कई बार बुक में जाता है आपको लिखा मिलता है ये वाला, ये देखो या तो ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा, दोनों में कोई सा मिल सकता है, ये तीनों है एक ही फॉर्मूले, यहाँ केवल माइनस का खेल चला है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं, बोलो क्लियर? तो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं ट्रिग्नोमेट्री के। मेरे लिए आपको ये तो याद हो ही जा रहे थे, साइन ए साइन ए साइन साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, तो आपको याद आज ही हो जाना चाहिए अब ही, ठीक है? और इनको भी आप याद करना एक बार, देखिए फिर आगे अपन चलते हैं। चलिए इनको नोट कर लिया, अब यहाँ अपन कुछ मान निकालते हैं, कुछ त्रिकोणमित अनुपात इनको देखो काम लेते हैं, इन फॉर्मूलों को कुछ सवाल करें इनके ऊपर, तो आगे अपन कुछ सवाल करते हैं यहाँ पे, फॉर्मूले नोट कर लिए, नहीं किए हैं तो पॉज करके नोट कीजिए, फिर अपन आगे कुछ सवाल इनके ऊपर सवाल करते हैं फॉर्मूले के ऊपर। चलिए रब कर दो इनको, हटा दो यहाँ से, क्लियर? ओके।
अब जैसे आपको जैसे मान निकालना है साइन 15 डिग्री का मान निकालना, किसका मान निकालना है, मान ज्ञात कीजिए। सवाल क्या है, मान ज्ञात कीजिए किनके। पहला मान निकालो साइन 15 डिग्री का, दूसरा मान निकालो कोस 15 डिग्री का। कोस का आप बता दो, साइन 15 का बता दूँ, साइन सीधे बता दो, बाकी आपसे करवाएंगे फिर बस। बाकी तो सवाल है, एक बार में एक दो आपको सिखा देता हूँ बस कैसे काम करना है इनके साथ। जैसे मान लो आपको साइन 15, क्या सवाल क्या है क्वेश्चन, मान ज्ञात कीजिए, इवेलेट द फॉलोइंग, क्या है इवेलेट, मुझे मान ज्ञात करना है। पहला किसका मान ज्ञात करना है आपको, साइन 15 डिग्री का, साइन 15 डिग्री का नहीं आता तो क्या करे, अपने को तो भाई साहब ये आता है 0 डिग्री आता है, 30 डिग्री आता है, 45 डिग्री आता है, 60 डिग्री आता है, 90 डिग्री आता है। और आपने पहला लेक्चर देख लिया तो आपने मतलब आपको 180, 270 और 300 मैंने आपको सिखा दिया। वैसे साइन एन पाई, कोस एन पाई, साइन एन पाई का जीरो होता है, टेन एन पाई का जीरो होता है, कोस 2n प्लस 1 पाई बाय 2 का माना में साथ जीरो होता है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा तो इसकी बात आपको पता होगी, और नहीं देखा तो नहीं पता होगी। तो देखिए पहला लेक्चर साइन 15 डिग्री, देखिए 15 का मान अपने को नहीं आता है तो किसका आता है, 30 का आता है, बिल्कुल आता है, 45 का आता है, बस काम हो जाएगा, 30 का आता है और 45 का आता है तो काम हो जाएगा। तो क्या करते हैं इसको अपन, 15 को साइन 15 डिग्री को अपन साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 15 को 45 माइनस 30 लिखा जा सकता है। अपन ऐसा करते हैं, पहले साइन पहले 75 का निकालें, 75 डिग्री का, तो यहाँ पे इसको 45 प्लस 30 कर देते हैं, पहले प्लस में खेलते हैं ना, माइनस बाद में खेलेंगे। तो आपको क्या काम करना है, पहले साइन 15 का बाद में निकालना, उसमें माइनस में जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल देंगे। साइन 75 डिग्री का मान निकालना है, अपन क्या जानते हैं, अपन 0, 30, 45, 60, 90 इनको मानक कोण बोलते हैं, स्टैंडर्ड एंगल्स इनको बोलते हैं। तो ये तो आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो इनको याद करना है, जैसे 10th क्लास आपने पढ़ा है। तो 75 डिग्री को अपन 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, बस कोई हो गया काम। अब ए की जगह आ गया 45, बी की जगह आ गया 30, यानी ये बन गया साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए, ए की जगह 45 इंटू में कोस बी, बी की जगह 30 है, साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए, यानी कोस 45 डिग्री इंटू में साइन बी, यानी साइन 30 डिग्री, बस हो गया। अब कुछ नहीं मान रखू, तो साइन 45 डिग्री हमारा कितना होता है 1/√2, कोस 30 का मान कितना होता है √3 बता दो, याद है कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। आगे आता है कोस 45 डिग्री, तो कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 इंटू में साइन 30, साइन 30 के लिए कितनी होती है 1/2, सॉल्व कर लीजिए तो आएगा √3, नीचे √2 इंटू 2 √2 प्लस 1 × 1 1 अपॉन 2√2, नीचे एलसीएम कितना आएगा 2√2 लगो तुम आ जाएगा, तो √3 + 1 अपॉन 2√2, ये हो गया इसका आंसर, खत्म, क्लियर। अब साइन 15 डिग्री में जैसे मान निकालना, आपको साइन 15 डिग्री का मान निकालना है, चलो कोस का निकालते हैं, कोस 15 डिग्री का मान मान लो अपने को निकालना है, किसका निकालना है, कोस 15, साइन 15 निकालते हैं, साइन 15 डिग्री का मान मान लो अपने को निकालना है, तो करना कुछ नहीं फॉर्मूला यही। तो साइन 15 डिग्री को अपने को क्या आता है, अपने 0, 45, 30, 60, 90 ही आता है, तो जो जानते हो उसमें तोड़ दो इसको, क्या तो 15 को आप 15 डिग्री को 45 माइनस 30 लिख सकते हो, बस हो गया। ये आ गया साइन ए माइनस बी, ए की जगह कितना है 45, बी की जगह कितना है 30, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, फॉर्मूला लगाना सिंपल, क्या होता है साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन ए की जगह साइन ए, ए की जगह 45 इंटू में कोस बी, बी की जगह 30, यानी यहाँ माइनस आएगा कुछ नहीं होगा, यहाँ क्या जाएगा माइनस आ जाएगा, इंटू में कोस ए यानी कोस 45 इंटू में साइन बी यानी साइन 30, तो साइन 45 कितना होता है 1/√2, कोस 30 कितना होता है √3/2 माइनस कोस 45 1/√2 इंटू में साइन 30 1/2, इसको हल करने पर आपको ये वापस मिलेगा, लेकिन यहाँ पे √3 - 1/√2, ये हो गया इसका आंसर, बोलो खत्म। अब आपका काम क्या है, तो आपको मान निकालना है कोस 75 डिग्री मान निकालना है, ये आपका होमवर्क है, और दूसरा आपको कोस 15 डिग्री का मान निकालना है, कोस 75 का और कोस 15 डिग्री का मान आपको निकालना है। एक फॉर्मूला आपको अब मैं एक और निकाल दिखाता हूँ। अब देखिए साइन कोस टेन बता रहा हूँ मैं, सेक
कोसेक और कोट के फॉर्म मैंने यहाँ पे नहीं बताया, क्यों? अगर आपने साइन निकाल लिया तो कोसेक निकल जाएगा, उल्टा ही तो करना है। कोस निकाल लिया, सेक निकल जाएगा, और टेन निकाल लिया, कोट भी आपका निकल जाएगा। तो तीन फॉर्म ये आपको याद करने, मतलब मैंने यहाँ पे सेक, कोसेक और कोट के फॉर्मूले नहीं लिखे, क्योंकि उनकी जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो इनके उल्टे होते हैं। अगर साइन कोस टेन आता है तो हम कोसेक, सेक और कोट को भी निकाल सकते हैं। तो क्लियर, ये कर लोगे? कोस 75 डिग्री और कोस 15 डिग्री का मान आपको खुद को निकाल के देखना है। चलिए इसको मैं करता हूँ रब और आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, एक सवाल और करवा देते हैं आपको। टेन 15 डिग्री का मान, टेन 15 डिग्री का मान निकाल के आपको बता देते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन, टेन 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देख, टेन 15 क्या लिख सकते हैं, टेन 15 डिग्री को अपन वही टेन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री निकाल सकते हैं। अब टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी। टेन ए की जगह 45, बी की जगह 30, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस 10, यानी 1 प्लस 10 45 डिग्री इंटू में 10 30 डिग्री। टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, एक। टेन 30 का होता है 1/√3। मान याद होने से, नहीं याद हो तो याद कीजिए। 1 प्लस 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 × 10 30 की वैल्यू √3। लघुत्तम लो तो ऊपर आएगा √3 − 1/√3, नीचे लघुत्तम लोगे तो क्या आएगा, √3 + 1/√3। गुणा आता है लघुत्तम, इसको इसे गुणा करो आएगा, √3 से √3 कर जाए तो आंसर कितना मिलेगा आपको, आंसर मिलेगा √3 − 1/√3 + 1। इसका आंसर मिलेगा किसका, टेन 15 डिग्री आंसर आपको ये मिल गया। अब आपको किसका निकालना है, टेन 75 डिग्री का मान निकाल लेना, और टेन 75 और कोस 75 आप चाहो तो निकाल सकते हो। तो ये वाले आपको ऐसे सवाल यहाँ से हो जाते हैं। क्लियर, आगे बढ़े तो आगे वो नेक्स्ट कुछ नए फॉर्मूले पढ़ते हैं, कुछ नए फॉर्मूले पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे नोट करो, होमवर्क करके देखिए। टेन 75 डिग्री का मान आप निकाल के, टेन 75 डिग्री का मान निकाल के आप देखिएगा। अब आते हैं कुछ नए फॉर्मूले, वो नए फॉर्मूले तो इन्हीं से अब देखिए। नेक्स्ट आते हैं अपन साइन 2a के फॉर्मूले, कोस 2a के फॉर्मूले, टेन 2a के फॉर्मूले, इन फॉर्मूले के ऊपर अपन आ जाते हैं। तो आगे देखिएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है फॉर्मूला साइन 2a का, कुछ आगे साइन 2a। तो ये वही फॉर्मूला है, अगर आप साइन ए प्लस बी के अंदर बी की जगह ए रख दो, बी की जगह ए रख दो, तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा साइन 2a का। तो साइन ए 2a आएगा 2 sin a cos a, 2 sin a double angle फॉर्मूला इनको बोलते हैं, डबल एंगल फॉर्मूले भी इनको बोलते हैं। ये देखो वैसे आ गया, कैसे, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी होता है। अब आप बी की जगह ए रख दोगे तो क्या होगा, देखिए साइन ए इंटू में कोस ए प्लस कोस ए इंटू में साइन ए। तो साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए क्या होता है, 2 sin a। तो जो आपने साइन ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी वो फॉर्मूले पढ़े, उनमें बी की जगह ए रख दो, आपको ये फॉर्मूले मिल जाएंगे। अगर आपको प्रूफ देखना तो भाई प्रूफ की जरूरत है नहीं। तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a cos a। खास बात है यहाँ पे, इधर देखिए कौन 2a, इधर 2a का आधा हो रहा है, 2a का आधा हो रहा है, यानी सिर्फ a हो रहा है। ठीक है, आगे फॉर्मूला आता है cos 2a, बड़े ही काम का फॉर्मूला। ये cos 2a का फॉर्मूला आज ध्यान से कर लेना, 11th तो चाहे 12th तो बहुत बार काम आने वाला है। cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। देखना कहाँ से आता है, तो cos a प्लस बी के फॉर्मूले में बी की जगह ए रख दो, आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए ये cos 2a का जो फॉर्मूला है वो अभी cos और साइन दोनों के रूप में, अपन चाहते हैं अपने को यहाँ साइन नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ cos दिखना चाहिए। तो आप जानते हो क्या, जानते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान क्या होता है, 1। तो अपन यहाँ पर साइन स्क्वायर ए की जगह 1 − cos² यानी कोस स्क्वायर इधर भेज दिया, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 − cos² अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आने वाला, देखिए कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए की जगह माइनस है, तो यहाँ माइनस का ध्यान रखिए, साइन स्क्वायर ए की जगह 1 − cos² लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा, देखिए जब माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आएगा 2 cos² a − 1। ये आ गया cos 2a का फॉर्मूला, कोई डाउट यहाँ पे। अब यहाँ ये भी फॉर्मूला हो सकता है,
अगर इस माइनस को उठा के ले आए तो वन माइनस को उठा के यहां ले आए तो ये बन जाएगा वन प्लस टू कोस ए बराबर टू कोस स्क्वायर ए, या अपन चाहे तो कोस स्क्वायर ए बराबर वन प्लस कोस टू ए बाई टू भी लिख सकते। ये फॉर्मूला इस फॉर्म में भी काम आता है, इसमें भी काम आता है, इसमें भी काम आता है, ये बहुत ही बड़े काम का फॉर्मूला है। तो ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको याद अभी तो कोस टू बाई टू कोस स्क्वायर ए माइनस वन वाला याद कर लीजिए, ये अकेले ये दोनों में ये अकेले कोस के रूप में, ठीक है। अभी लास्ट में लिखा दूंगा एक बार और लिखा दूंगा उनको, ठीक है। अपन अब आगे चाहते हैं कि यहां अपने को कोस नहीं दिखना चाहिए, केवल साइन दिखना चाहिए। तो कोस दिखाना है तो यहां इसको काम में लो, आप कोस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हो, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर इधर लगे तो कोस स्क्वायर ए बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर ए। चाहते क्या अपन, चाहते अपन ये है कि अब अपने को यहां पे इस फॉर्मूले में केवल साइन ही दिखना चाहिए, कोस नहीं दिखना चाहिए। तो ये आगे कोस टू ए का फॉर्मूला बन जाएगा, यहां पे कोस स्क्वायर ए की जगह रख दीजिए आप, क्या लिखोगे वन माइनस साइन स्क्वायर ए, आगे माइनस साइन स्क्वायर ए है ही, तो ये बन जाएगा कोस टू ए का फॉर्मूला वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला ये याद कर लीजिए, ये आप याद कर लीजिए। अब इन्हीं के जैसे मान लो, अब इन्हीं को मैं कुछ और सरल करता हूं। अब देखिए मान लो अकेला मान लो साइन ए का फॉर्मूला लिखना, तो देखिए यहाँ टू ए था तो यहाँ कोण आधा होता, तो ये साइन ए का यहां भी कोण आधा करोगे तो बन जाएगा टू साइन ए बाई टू कोस ए बाई टू कोस ए बाई टू। अब आते हैं कोस टू ए में, कोस देखो कोस टू ए क्या है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, इधर कोण टू होता तो इधर आधा होता, अब ए का आधा कितना होगा ए बटा दो, तो ये बनेगा कोस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू। अब याद क्या करना, देखिए इस फॉर्मूले को मैं ऐसा लिखता हूँ, इसी को देखो इधर लाके अपन यानी वन प्लस कोस ए को, वन प्लस कोस ए को अपन क्या लिख सकते हैं, वन प्लस कोस ए को अपन लिख सकते हैं क्या लिखेंगे, टू कोस स्क्वायर ए बाई टू, टू कोस स्क्वायर ए बाई टू, टू कोस स्क्वायर ए बाई टू। इसी प्रकार अगर वन माइनस, देखो यहां पे कुछ पहले पड़ रहा है, यहां से दिखाते हैं आपको कोस टू ए बराबर, अगर इसको ले आए अपन तो टू यानी इसी फॉर्मूले को अपन इस माइनस टू साइन स्क्वायर ए को उठा के इधर लाए तो बन जाएगा वन माइनस कोस टू ए बराबर टू साइन स्क्वायर ए। तो यहां से फॉर्मूला लिख लो आप वन माइनस कोस ए को, अकेला मैंने ए के रूप में देखो कोण डबल तो इधर कोण आधा हो रहा है, तो यहां क्या आएगा टू साइन स्क्वायर ए बाई टू। ये फॉर्मूला कई बार देखने को मिलेंगे, देखो प्लस में आता है कोस, माइनस में आता है साइन, तो ये फॉर्मूला कोई अलग फॉर्मूला नहीं, इन्हीं के रूप है, आपको चेंज करना आना चाहिए, मैंने आपको केवल दिखाया, ठीक है यहां तक। तो ये सारे इसको लिख सकते हो, आपके कोस के फॉर्मूले हुए ये आपको याद कर लेने, वन प्लस कोस है टू कोस स्क्वायर ए बाई टू। अब आप चाहो तो देखिए यहां से साइन स्क्वायर ए बाई टू को इस दो को नीचे ले जाओ, यानी साइन स्क्वायर ए बाई टू को आप वन माइनस कोस ए बटा दो लिख सकते हो, कोस स्क्वायर ए बाई टू को दो को नीचे ले जाओ तो आप कोस स्क्वायर ए बाई टू को भी वन प्लस कोस ए बाई टू लिख सकते हो। इतनी बात क्लियर, तो ये हो गया आपके। अब ए फॉर्मूला आपको आगे टेन टू ए का भी लिखा देते हैं, टेन टू ए का सूत्र, तो टेन टू ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए। टू टेन ए का जो फॉर्मूला होता है ये कैसे आ गया, टेन ए प्लस बी के फॉर्मूले में आपको बी की जगह ए रख देना तो आपको टेन टू ए का फॉर्मूला मिल जाएगा, क्या आएगा टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए। इनका जो यूज होता है वो ये 22.5 डिग्री 7.5 डिग्री ऐसे कोण का मान निकालने में आता है, लेकिन वो अपने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आपको तो केवल फॉर्मूले से मतलब है, ये फॉर्मूला क्या होता है इतनी बात क्लियर। तो ये थे आपके फॉर्मूले। अब कुछ और बातें करते हैं इंपॉर्टेंट, जब कोण बहुत छोटा हो, ये बहुत ही काम चीजें फिजिक्स के लिए, जब कोण बहुत छोटा हो तो कुछ अजम्पशन अपन मानते हैं, जब कोण बहुत छोटा हो उस टाइम अपन साइन थीटा को लगभग थीटा, जैसे कोण 5 डिग्री 10 डिग्री मतलब 30 डिग्री छोटे कोण को, कोण 30 डिग्री छोटा हो तो ये लग जाते हैं, 30 डिग्री से छोटा कोण हो तो अपन ये यूज कर सकते, साइन थीटा को लगभग थीटा बोलते हैं, कोस थीटा का मान लगभग एक मानते हैं, और टेन ये लगभग है, इसका मतलब क्या है टेन्स टू एन, लगभग लगभग लगभग, जब कोण बहुत छोटा, कोण बहुत छोटा मतलब 30 डिग्री से कम कोण, जैसे 10 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री जनरली 5-10 डिग्री बात करते हैं, 30 तक ही काम करते हैं, 30 डिग्री से बढ़ जाते हैं। तो साइन थीटा का मान आता है थीटा
कोस का मान आता है एक, और टेन थीटा को अपन इसका लगभग मान लेते हैं, थीटा ही मानते हैं। एग्जाम दिखाता हूँ, देखो आपको साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। अगर मैं 30 डिग्री को कितने लिख दूँ रेडियन के अंदर, तो साइन π/6, π/6 मान, तो π/6 पाई का मान कितना होता है 3.14, लगभग 3 मान ले, यानी 1/2 कितना गया 1.5 डिग्री, कितना गया 1/2, सॉरी 1/2 के आसपास। तो जब इसका देखो कितना है, इसका मान 1/2 आ रहा है। तो जब कोण बहुत छोटा है भाई, साइन थीटा का कितना 1/2, जो कोण होता है ना, कोण कितना 1/2, रेडियन कोण कितना 1/2, तो वही आ गया ना। कुछ भी समझ में आता है, याद रख रहा है कि जब कोण बहुत छोटा हो ना, ये मानते कई बार हेल्प करेगा, फिर कई बार काम आएगा डेरिवेशन के अंदर भी, न्यूमेरिकल के अंदर भी। साइन जब कोण बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को लगभग थीटा ही मान लेते हैं, कोस थीटा को एक मानते हैं, और टेन थीटा को क्या मान लेते, थीटा मान लेते हैं। एग्जाम्पल में आपको देके समझा। अब यहाँ पे कुछ बात और करते हैं। साइन का जो अधिकतम मान है, साइन थीटा का अधिकतम मान जो होता है +1, कितना होता है साइन थीटा का अधिकतम मान क्या होता है +1, और साइन थीटा का न्यूनतम मान क्या, न्यूनतम मान जो होता है माइनस। आप टेबल देखना, इसका मान +1 और -1 से बीच में आपको मिलेगा। ऐसे ही कोस थीटा का जो अधिकतम मान है, कोस थीटा का जो अधिकतम मान है वो होता है +1, और कोस थीटा का जो न्यूनतम मान है, न्यूनतम मान वो होता है माइनस। यानी आपका साइन और कोस -1 और +1 के बीच में ही घूमता है। साइन और कोस आपका -1 और +1 के बीच में ही घूमता है। इतनी बातें नोट कीजिए, काम की बातें है ये भी, काम की बातें, इनसे आप अच्छे अच्छे सवाल करोगे, ये भी काम की है, मैं सारे काम के, जो भी आप तीनों के फोन पर सारे ही काम के हैं। इतनी बातें क्लियर, अधिकतम मान न्यूनतम मान आपको समझ में आ गया। अब इन बातों लेकिन मैं आपको कुछ ग्राफ दिखाता हूँ, साइन और कोस के ग्राफ कैसे बनता है, साइन और कोस के ग्राफ बना के देखते हैं, ठीक है। चले तो नोट कीजिए, मैं इसको रब करता हूँ यहाँ पे। ये फॉर्मूले एक बड़े काम के हैं, इनको याद कर लेना। 1 + cos a 2 cos² a/2, 1 - cos a 2 sin² a/2, या अगर 1 + cos 2a बोले तो 2 cos² a, 1 - cos 2a बोले तो यहाँ पे 2 sin² a आएगा। यहाँ यहाँ का आधा इधर होता है, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा का ग्राफ, इसको रब कर रहा हूं मैं। साइन थीटा का ग्राफ कैसा आएगा देखिए, तो साइन का जो ग्राफ आप बनाओगे, साइन थीटा का ग्राफ आप बनाओगे तो वो ग्राफ आपको मिलेगा कैसा, मिलेगा ऐसा, मिलेगा कैसा, मिलेगा ऐसा। ये यहां से कितना होगा, यहां होगा π/2 90 डिग्री, यहां होगा पाई 180 डिग्री, यहां होगा 270 डिग्री, और यहाँ होगा 360 डिग्री, मतलब 2π, और यहाँ आएगा 3π/2। यहाँ पर ले रहे वाई, तो देखिए यहाँ पे साइन की नेगेटिव वैल्यू कितनी है +1, मिनिमम वैल्यू कितनी है -1, ठीक है। ये +1 और -1 के बीच में ही घूमता है। इसी प्रकार अगर अपन कोस थीटा ग्राफ बनाए, किसका, कोस थीटा, वाई बराबर कोस थीटा का ग्राफ, ये था वाई बराबर साइन थीटा का ग्राफ। जैसे साइन 0 कितना 0 होता है, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, साइन 180 कितना होता है 0 होता है, साइन 200 कितना होता है -1 होता है ऐसे, फिर साइन 360 डिग्री कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा ऐसे। हालांकि अपन ग्राफ की बात एक बार और करेंगे, आज तो ग्राफ आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ग्राफ की बात अपन एक बार अलग से और करेंगे, साइन और कोस ग्राफ अपन एक बार और बना के देखेंगे। तो वाई बराबर कोस थीटा जब ग्राफ आप बनाओगे, मान रखें ग्राफ बनाने का तरीका वही है, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ आपको इस प्रकार मिलेगा। ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी +1, ये मैक्सिमम है, और मिनिमम वैल्यू जो कितनी होगी वो -1 आएगी। ये 0 डिग्री, ये हो गया 0 डिग्री पे, ये होता है 90 डिग्री पे, ये होता है 200, ये आएगा आपका 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे ये आएगा 270 डिग्री पे, और ये कितना होगा 360 डिग्री पे। देखो मैंने यहाँ मान किसने लिखा है रेडियन में, यहाँ मान किसने लिखा है डिग्री में। ये कह रहा हूँ दिखाने के लिए कि साइन और कोस का अधिकतम मान +1 और न्यूनतम मान -1 होता है। देखिए ग्राफ आपका ऐसे प्लस, देखो साइन ग्राफ भी आपका साइन ग्राफ में कुछ ऐसा घूमेगा, ऐसा देखो ऐसा घूमता रहेगा, ये ऐसा घूमता रहेगा, ऐसा घूमता है, किसका ग्राफ, साइन ग्राफ, और ऐसे कोस का भी ग्राफ आपका ऐसा, ये आगे तक भी ऐसे घूमते रहेगा, ऐसे ऐसे आगे भी ऐसे घूमता ऐसे रहेगा। तो साइन और कोस ग्राफ ऐसे होते हैं। हालांकि हम ग्राफ की बात
एक बार और करेंगे। तो आज तो मेरे को यहाँ केलाओं को फॉर्मूले बताने हैं, साथ में ग्राफ भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दें। ग्राफ का अलग से लेक्चर और करेंगे एक बार पूरा, ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ किस प्रकार के होते हैं, सारे ग्राफ, परवलय, दीर्घवृत्त, वृत्त, सारे ग्राफ और करने वाले। ये मैंने थोड़ा सा एक आइडिया दिया है ग्राफ का, तो मेन मकसद मेरा यहाँ पे था आपको आज फॉर्मूले सिखाने। तो आई होप आपने सारे फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे, नहीं किए तो आप इनको नोट कीजिए और इनको याद कीजिए, ठीक है। टाइम खराब मत कीजिए, आपको वीडियोस लगातार रेगुलर मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे, तो टाइम खराब बिल्कुल भी मत कीजिए। नोट्स कोई बनाइए पढ़िए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल की लिंक शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। तो ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।